Hello, my dear students. My name is Alisha and I welcome you to Success Blueprints. ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश क्या है, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उसके कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट सिंबल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था. आज की क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ एमपी के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब फॉर्मेशन में सिर्फ वो कैसे फॉर्म हुआ था हम नहीं देखेंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो कैसे रीऑर्गेनाइज हुआ था, एंड फाइनली जो आज का स्टेटस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश. जब मैं बात करती हूँ फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, तो उससे बहुत पहले एमपी को एज अ सेंट्रल प्रोविंस डिक्लेयर किया गया था ऑन 2 नवंबर 1861 में. उस टाइम पे जुडिशियल कमीशन टेरिटरीज हुआ करती थी, जो जुडिशियल कमिश्नर हैंडल करते थे सारा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट. जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते थे, जो फंक्शनिंग होती थी, वो पूरा जुडिशियल कमिश्नर देखा करते थे. जुडिशियल कमिश्नर के फंक्शनिंग के लिए वहाँ पे कोर्ट सेटअप किया गया जाते थे. तो जो सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया उसका जो कोर्ट सेटअप किया गया वो नागपुर में किया गया. अब कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नागपुर तो महाराष्ट्र का पार्ट है. तो बैक देन इन 1861 जो ये पार्ट थे, और महाराष्ट्र के कई और डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट थे. एंड उस टाइम पे नागपुर को एज अ कैपिटल ऑफ सेंट्रल प्रोविंस भी डिक्लेयर किया गया था. जब हम देखेंगे 1947 में जब पार्टीशंस हुए, तो इन 1861 नागपुर को जुडिशियल कमिश्नर के कोर्ट के रूप में या कोर्ट के फॉर्म में सेटअप किया गया. इट वाज द हाईएस्ट कोर्ट इन द टेरिटरी. तो जो सबसे बड़ा कोर्ट हुआ करता था वो ये था. 1921 में हाउएवर इसको गवर्नर प्रोविंस में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली हो सके. 1933 में ये हुआ कि जो बरार करके जो प्लेस था हैदराबाद के निगम का, उस स्टेट उस पार्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया सेंट्रल प्रोविंस में. अब जब सेंट्रल प्रोविंस में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इस स्टेट का जो नेम था उसे चेंज करके कर दिया गया सीपी बरार, दैट इज़ सेंट्रल प्रोविंस बरार. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. उसके बाद 1947 में इनका जो स्टेटस था वो चेंज हुआ, क्योंकि चार डिफरेंट पार्ट में इन्हें डिवाइड कर दिया गया. जो आपका पहला पार्ट था वो था सेंट्रल प्रोविंस और कम बरार, जिसका कैपिटल नागपुर हुआ करता था, और इसके जो हेड थे वो रविशंकर जी थे. पार्ट टू जो था वो मध्य भारत था, इसके कैपिटल इंदौर और ग्वालियर हुआ करते थे. इंदौर और ग्वालियर यहाँ पे इसलिए हुआ करते थे क्योंकि यहाँ पे दो डायनेस्टीज़ थी. इंदौर में होलकर डायनेस्टी थी और ग्वालियर में सिंधिया डायनेस्टी थी. दोनों को देखते हुए 6-6 मंथ में इन कैपिटल को रेसिप्रोकेट किया जाता था. मतलब अगर फर्स्ट 6 मंथ्स इंदौर हुआ करता था आपका कैपिटल, तो नेक्स्ट 6 मंथ ग्वालियर हुआ करता था. लीलाधर सेठ जी जो थे उनने इसे हेड किया था इस पर्टिकुलर पार्ट को. पार्ट सी वॉज रीवा, पार्ट सी वॉज विंध्य प्रदेश, जिसका कैपिटल रीवा था, जिसे पंडित शंभुनाथ शुक्ला जी ने हेड किया था. देन लास्ट पार्ट वॉज भोपाल स्टेट, जिसका कैपिटल भोपाल इटसेल्फ था, एंड डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने इन्हें हेड किया था. तो लेट्स सी वन बाय वन, इनको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं. जो पहला आपका पार्ट था वो आज की डेट में जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है वो पूरा इसमें इंक्लूडेड था. विदर्भा एरिया जो महाराष्ट्र में अब आता है वो इंक्लूडेड था. महाकौशल एरिया जो जबलपुर मंडला रीजन है वो इसमें था. इन पूरे को एक साथ लेके सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया था. इसका फॉर्मेशन 1947 में ही हो गया था. पंडित रविशंकर शुक्ला जी इसके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और गवर्नर रघुवेंद्र राव जी थे. ठीक है, ये हमें याद करना है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं. मध्य भारत की जब मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे 25 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी. प्रिंसली स्टेट से यहाँ पे मतलब है शाही ख़ानदान. ठीक है, 25 प्रिंसली स्टेट्स थी. कहाँ की? ग्वालियर की सिंधिया डायनेस्टी और इंदौर की होलकर डायनेस्टी के कोलैबोरेशन की. यहाँ के जो सीएम हुआ करते थे वो श्री लीलाधर जोशी थे, जिनको लेटर ऑन तख्तमल जैन जी ने रिप्लेस किया था
एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो कैपिटल था वो ग्वालियर और इंदौर था, क्योंकि उन्हें रेसिप्रोकेट किया जाता था एवरी 6 मंथ्स में. देन पार्ट जो सी है, आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पार्ट सी, यानी विंध्य प्रदेश में. विंध्य प्रदेश को 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था मार्च में. इनमें दो पोर्शंस ऐड किए गए थे स्टेट के, जो थे बुंदेलखंड और बघेलखंड यानी रीवा. इनका जो स्टेट के हेड हुआ करते थे उस टाइम पे, वो थे महाराजा सिंह जुदेव. इनिशियली जब इस स्टेट को फॉर्म किया गया, इस पार्ट को डिक्लेयर किया गया, तो दो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी. पहला बघेलखंड यानी रीवा का, जो हेड कर रहे थे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, और दूसरा बुंदेलखंड का, जिसे हेड कर रहे थे श्रीमान कामता प्रसाद सक्सेना जी. जुलाई में क्या हुआ, जुलाई में डिसीजन लिया गया 1948 में, मतलब सेम ईयर में 4 महीने बाद ये डिसीजन लिया गया कि इंस्टेड ऑफ रनिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स, फॉर स्मूदर एडमिनिस्ट्रेशन हम इन दोनों यूनिट्स को ज्वाइन कर देते हैं. तो सिंगल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए, जिसे अगेन कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह ने ही हेड किया, और कैपिटल डिक्लेयर किया गया रीवा को 2 अप्रैल 1952 में, मतलब 2 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली. पंडित शंभुनाथ शुक्ला जी को यहाँ का सीएम डिक्लेयर किया गया. लास्ट पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भोपाल को इस पार्ट बनाने में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलना चाहिए, इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई थी. 1948 में नवाब हमीदुल्ला खान जो थे, उन्होंने मर्ज करवाया भोपाल को इंडिया में, लेकिन वो चाहते थे कि जो भोपाल हो वो एज अ सेपरेट स्टेट जो है वैसे फंक्शन करे. इसमें उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह किए, लेकिन उनके बहुत सारे कुछ लीडर्स थे जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर थे, जिसमें से शंकर दयाल शर्मा, जिसका नाम आपने अभी सुना है, इनिशियल है हमारा, देखा आपने कि जो हेड थे वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था. इसकी वजह से लोकल एजिटेशन जो था वो ब्रोक हुआ, किसके अगेंस्ट, नवाब के अगेंस्ट, इन 1948 दिसंबर में. अल्टीमेटली नवाब को गिव अप करना पड़ा, और उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया, जिससे 1949 में 1 जून को भोपाल को पार्ट डी के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया गया. मतलब 1948 से इनिशियली प्रोटेस्ट चल रही थी, और उन प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग अरेस्ट हुए, काफ़ी एजिटेशन देखा गया लोकल जो पीपल थे उनका, एंड इन द एंड ऑन 1949 में पार्ट डी डिक्लेयर कर दिया गया भोपाल को. ठीक है, अब हम बात करते हैं इन पार्ट्स के बाद फॉर्मेशन कैसे हुआ मध्य प्रदेश का. तो ये 4 पार्ट तो अलग अलग डिक्लेयर हो गए, चारों पार्ट के बेसिस पे अलग अलग लोग इन्हें हेड कर रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था. लेकिन जब फजल अली कमीशन आया, जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स देख रहा था, ये 1953 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसने एक रिपोर्ट सबमिट की 1955 में, जिसमें इसने रेकमेंड किया कि इन चारों पोर्शन को कोलैबोरेट करके और कुछ पोर्शंस को, जिसे बोलना चाहिए, हटाकर एक स्टेट बनानी चाहिए, जिसे हम कहेंगे मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश जो नाम दिया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था. ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट एक्ट बनाया गया था 1956 में, उसके अंडर हुआ है. तो 1 नवंबर 1956 में फाइनली हमारा जो मध्य प्रदेश है वो बना, एंड एवरी सिंगल ईयर हम 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं एज मध्य पर्व, क्योंकि ये फॉर्मेशन डे है हमारी स्टेट का. कैसे 4 जो आपके पार्ट्स थे वो मर्ज हुए हैं वो हम देख लेते हैं. एमपी जो है वो पूरा बन गया था पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. किस तरीके से, उसमें से विदर्भा रीजन के 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे, जिसमें बुलढाणा, अकोला, अमरावती, युवतमल, वर्धा, नागपुर, भंडारा एंड चंदा, ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स थे इनको सेपरेट कर दिया गया, और महाराष्ट्र में इनको जिसे बोलना चाहिए दे दिया गया कि महाराष्ट्र का पार्ट होंगे अब ये. तो सीपी बरार जो है उसमें से कौन से पार्ट लिए गए, उसमें से आपका पार्ट लिया गया जबलपुर मंडला रीजन वाला, और आपका जो दूसरा पार्ट आपका यहाँ पर लिया गया वो आपका यहाँ पे लिया गया छत्तीसगढ़ वाला पार्ट.
तो छत्तीसगढ़ और आपका जबलपुर मंडला रीजन को कोलैबोरेट किया किसमें, मध्य प्रदेश में। मध्य भारत में से मध्य भारत में हमने क्या किया, मध्य भारत को सुनेल टप्पा करके एक रीजन था जो भानपुरा तहसील में आता था मंदसौर के, तो उस सुनेल टप्पा को हमने दे दिया राजस्थान को। तो अब जो भानपुरा तहसील है वो आती है राजस्थान में, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट अभी भी मध्य प्रदेश में। तो अपार्ट फ्रॉम सुनेल टप्पा सारी चीज़ें आ गई मध्य भारत की हमारे मध्य प्रदेश में। विंध्य भारत को तो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में लिया गया, मतलब बघेलखंड रीजन और आपका बुंदेलखंड रीजन पूरा आ गया एमपी में। भोपाल स्टेट को भी कम्प्लीटली जो मर्ज कर लिया गया किसके साथ, एमपी में। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, जो आपका न्यूली फॉर्म्ड मध्य प्रदेश था उसका कैपिटल तो भोपाल था जो डिक्लेयर हुआ 1956 में, लेकिन भोपाल उस टाइम में अपने आप में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता था, वो सिर्फ एक तहसील था सीहोर डिस्ट्रिक्ट का। मतलब सीहोर डिस्ट्रिक्ट की तहसील को कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश बनाया गया था। उस टाइम पे 43 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी मध्य प्रदेश में। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक पार्ट हुआ करते थे, तो 43 डिस्ट्रिक्ट्स होती थी। फिर नवंबर 2000 में, अगेन 1 नवंबर को ही रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और जो ईस्टर्न पार्ट था मध्य प्रदेश का उसे सेपरेट करके छत्तीसगढ़ में एक एज अ न्यू स्टेट छत्तीसगढ़ फॉर्म कर दिया गया। उस टाइम पे जब सेपरेशन हुआ था तो छत्तीसगढ़ में आपकी 3 डिविजन्स थे जिसके 16 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हुआ करते थे। इस तरीके से आपका जो सेपरेशन है वो हुआ था। ये अगेन किसके बोलने पे हुआ था, फजल अली कमीशन के बोलने पर ही हुआ था। कौन से अमेंडमेंट में, 84th अमेंडमेंट के अंडर ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ठीक है, अब किस तरीके से फॉर्मेशन हुई डिस्ट्रिक्ट्स के, तो डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन के लिए 2 कमिटीज़ ने काम किया है, बीआर दवे कमेटी जो 1983 में फॉर्म हुई थी और एमएस सिंह देव कमेटी जो 1998 में फॉर्म हुई है जुलाई में। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि 1983 में और 1998 में ये कमिटीज़ फॉर्म हुई हैं, मतलब 1956 से लेके 1983 तक जो भी डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन हुए वो इन कमिटी के रिकमेंडेशन से नहीं हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स सी इन कमिटीज़ के बनने से पहले किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म हुए। तो 1956 में 43 डिस्ट्रिक्ट्स थे जब मध्य प्रदेश फॉर्म हुआ था। 1972 में 45 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बनाए गए, 2 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए थे, उसमें से एक भोपाल था और एक राजनंदन गांव था। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, भोपाल स्टार्टिंग से ही कैपिटल था एमपी का, कैपिटल होने के बाद वो एक डिस्ट्रिक्ट बना है। 25th ऑफ मई में 1998 में 53 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, मतलब 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए गए किसके रिकमेंडेशन पे, बीआर दवे कमेटी, क्योंकि 1998 में इन्होंने रेकमेंड किया है जबकि इनका फॉर्मेशन कब था, 1983 में हो चुका था। तो तब तक ये काम कर रहे थे कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। तो 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बनवाए, पहला था बड़वानी जो खरगोन से निकला, श्योपुर जिसे मुरैना से सेपरेट करके बनाया गया, तीसरा है कटनी जिसे जबलपुर से सेपरेट करके बनाया गया, फोर्थ है डिंडोरी, डिंडोरी को मंडला से सेपरेट करके बनाया गया था। इसके अलावा 4 और स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स भी बने थे, बट नाउ एज दे बिलोंग टू छत्तीसगढ़ इसलिए मैंने उन्हें यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। ओके, तो अब जब हम उसी सेम ईयर की बात करते हैं, मतलब 1998 में 6 जुलाई को क्या हुआ, 61 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, मतलब 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फिर से फॉर्म किए गए, पर इस बार ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एमएस सिंह देव कमेटी। इन्होंने क्या किया, 3 ऐसे मतलब 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को फॉर्म करवाया रेकमेंडेशन पे, उसमें से अभी इन करंट स्टेट उमरिया हरदा और नीमच तो एमपी को बिलोंग करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी के 5 डिस्ट्रिक्ट्स थे वो छत्तीसगढ़ में सेपरेट हो गए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं। देन अब रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ, मतलब 2000 में जब छत्तीसगढ़ और एमपी को सेपरेट कर दिया गया, तो फिर से
1 नवंबर 2000 में 45 डिस्ट्रिक्ट्स रह गए। क्यों? क्योंकि आपके जो छत्तीसगढ़ में 16 जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो वहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब 16 में जाने के बाद आपके 45 डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं। आउट ऑफ 45 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट्स फिर से बनाए गए, तो 48 हो गए। अशोकनगर बनाया गया फ्रॉम गुना, बुरहानपुर बनाया गया फ्रॉम खंडवा, एंड अनूपपुर को बनाया गया फ्रॉम शहडोल। ठीक है, इनको इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में से सेपरेट करके बनाया गया। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? MS सिंहदेव कमेटी के रिकमेंडेशन पे। सिमिलरली 2008 में 50 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, क्योंकि दो नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए। पहला था अलीराजपुर फ्रॉम झाबुआ, सिंगरौली बनाया गया फ्रॉम सीधी। सिंगरौली और अलीराजपुर दो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, अगेन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ MS सिंहदेव कमेटी। अब हम ये देख सकते हैं कि जितने भी रीऑर्गेनाइजेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं वो सब MS सिंहदेव कमेटी के रिकमेंडेशन पे बने हैं। 16 अगस्त 2013 में अगेन 51 डिस्ट्रिक्ट हुए, क्योंकि एक न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ जो आगरमालवा था फ्रॉम शाजापुर। ऑलराइट, तो अब जो हमारा रीसेंट डिस्ट्रिक्ट है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लास्ट 52nd डिस्ट्रिक्ट जो बना है, दैट इज़ निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से सेपरेट होके बनाया गया है ऑन 1 अक्टूबर 2018 में। ये याद रखना है आपको, 1 अक्टूबर 2018 में हमारा रीसेंट डिस्ट्रिक्ट बना है। इसको मिलाकर हमारे पास अब 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन टोटालिटी। ये भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ MS सिंहदेव कमेटी पे ही बना है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि इन टोटल आज की डेट में हमारे पास 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन मध्य प्रदेश। अब जो करंट स्टेट की अगर मैं बात करती हूँ MP की, तो हम ऑलरेडी उस चीज़ को अभी डिस्कस करके आए हैं कि MP में अब 52 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हैं, और 10 डिविजन्स हैं। जो 10 डिविजन आपको ये अलग अलग कलर्स में दिख रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ चंबल, दिस ग्रीन वन इज़ योर ग्वालियर, दिस लाइट ब्लू अगेन इज़ योर उज्जैन, पर्पल वन इज़ भोपाल डिविजन, दिस डार्क ब्लूइश काइंड ऑफ इज़ योर जबलपुर डिविजन, सॉरी सागर डिविजन, देन दिस वन इज़ योर रीवा डिविजन, द ऑरेंज वन इज़ योर शहडोल डिविजन, द येलो वन इज़ जबलपुर डिविजन, द रेड वन इज़ योर नर्मदापुरम, द पिंक वन एंड द लास्ट वन इज़ योर इंदौर डिविजन। सो इन टोटालिटी वी हैव 10 डिविजन एंड 52 डिस्ट्रिक्ट्स एज ऑफ नाउ, जिनमें इन टोटलिटी 376 तहसील्स हैं। तहसील्स इज़ बेसिकली द सब डिविजन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट्स। तो तहसीलें बनाई जाती हैं फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का ही मैप मैंने उठाया है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरीके से डिविजन्स जो है वो डिवाइडेड हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हमारे डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आज की क्लास में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी अबाउट द फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ रिंग द बेल आइकन, जिससे जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।